हेलो माय डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडियम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत है दोस्तों इस टॉपिक इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सांख्य दर्शन के सेकंड पार्ट को जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में पहले वीडियो में बताया था कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके सांख्य दर्शन में और कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसकी बात हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं चलिए देखते हैं शिक्षण विधियाँ क्या हैं आपकी शिक्षण विधियों की चर्चा हमने आपसे करी थी उसमें लेकिन उसको डिटेल में नहीं किया था लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आपकी चीज़ें सांख्य दर्शन आपको दोबारा कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत ना हो इसलिए हम सांख्य दर्शन का सेकेंड पार्ट बना रहे हैं ठीक है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या होता है इससे रिलेटेड आपके एम एड एंट्रेंस में बी एच ओ एम एड एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए हमको इसको लेना पड़ा है ठीक है चले देखते हैं सांख्य दर्शन में शिक्षण विधियां जो सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान यथार्थ या, या साक्षात होता है यानी इसमें जो हमारी बुद्धि है सॉरी जो हम जो हमारी सेंसेस हैं जो हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं हम उसकी मदद से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उन विधि उन प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं उनको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि ठीक है जैसा इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को आंखों के सामने इतना निकट से देखकर या ज्ञात करना कि यह मनुष्य है प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाएगा परंतु यदि दूर से देखने पर यह संदेह हो कि यह मनुष्य है या वृक्ष है तो यह यथार्थ ज्ञान नहीं है ठीक है यथार्थ ज्ञान या, या प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है कि जो जिन चीज़ों को हम छू और देख सकते हैं ठीक है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है चलिए नेक्स्ट विधि का देखते हैं हम लोग अनुमान विधि अनुमान विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है जो हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं प्रीवियस नॉलेज होता है उसके आधार पर हमारे पास कोई अगर नॉलेज प्राप्त हो रही है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हम अगर अनुमान लगा रहे हैं तो उसको हम अनुमान विधि के अंतर्गत रखते हैं अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन ठीक है जैसे वहाँ पशु चर रहे हैं अतः वहाँ घास होनी चाहिए ठीक है वहाँ पशु चर रहे हैं अतः वहाँ घास होनी चाहिए इसमें कौन सी विधि का प्रयोग होगा इसमें जो है आपका अनुमान विधि का प्रयोग होगा अनुमान विधि में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं तीन चीजें आती हैं वीत अवीत और पूर्ववत सामान्योदृष्ट ठीक है ये सारी बातों का डिस्कस इसमें किया जाता है चलिए ये सारी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट में आते आते बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे शब्द एक और विधि है जो शब्द के नाम से जानी जाती है शब्द किसी वस्तु का वाचक होता है शब्द वह संकेत है जो किसी वस्तु या क्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है दो प्रकार के शब्दों की बात की गई है लौकिक शब्द और अलौकिक शब्द सॉरी लौकिक शब्द और वैदिक शब्द ठीक है चले आगे देखते हैं हाँ अब यहाँ से इस वाले स्लाइड में बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि सृष्टि विकास का सिद्धांत क्या होता है तो सृष्टि विकास के सिद्धांत का प्रोसेस क्या है वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है तो सृष्टि का विकास जो है पुरुष सबसे पहले पुरुष आता है सृष्टि का विकास के लिए सबसे पहले पुरुष आया फिर प्रकृति आई इसके बाद महत महत को जो है हाँ ये महत वाला जो पोर्शन है इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका महत महत को हिंदी महत को जो है हिंदी में क्या कहते हैं बुद्धि कहते हैं महत मतलब बुद्धि अहंकार ठीक है अहंकार में जो आपका ये पंच तत्व विलीन हो जाते हैं पंच तत्व रहते हैं और आपके ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और मन ये टोटल आपके अहंकार के अंतर्गत आता है अहंकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं पंच तत्व आता है क्षितिजल पावन गगन समीरा वो तो दोहा आपको याद होगा तो वो जितने तत्वों की बात उसमें की गई है पांचों तत्व पांचों तत्वों पद तत्व इसमें आते हैं अहंकार में इसके साथ ही साथ ज्ञानेन्द्रियाँ हमारी आती हैं पाँचों पाँचों कर्मेंद्रियाँ आती हैं और एक मन उभन्द्री उसकी बात हम लोग करते हैं इसमें पूरे तत्वों की संख्या कितनी होती है पच्चीस होती है मूल तत्व कितने होते हैं दो होते हैं विकृत तत्व कितने होते हैं मूल तत्व कितने होते हैं मूल तत्व आपके दो होते हैं जिसमें प्रकृति व पुरुष होता है विकृत तत्व जो है तेईस होते हैं केवल प्रकृति विकृति एक होती है ठीक है केवल विकृति जिसमें जो तेईस हैं तेईस को यहां पर व्याख्या किया गया है सॉरी तेईस तेईस ते, दो पच्चीस को केवल विकृति एक है केवल केवल प्रकृति एक है केवल विकृति पांच ज्ञान पांच कर्म और पांच तत्व और एक मन मिलाकर के सोलह इसी को जो है जो विकृति है आपकी वो इसी को अहंकार भी कहा गया है ठीक है प्रत्येक प्रकृति विकृति क्या है पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रियां हैं और महत है अहंकार है ये मिलाकर के साथ हो गई न प्रकृति न विकृति पुरुष जिसको हम आत्मा कहते हैं सांख्य दर्शन में पुरुष को आत्मा कहा गया है आत्मा के रूप में डिफाइन किया गया है तो वो एक हो गया टोटल जो तत्वों की संख्या हो गई वो पच्चीस है ठीक है आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाला होगा तो यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ओके बाय बाय टेक केयर थैंक यू वेरी मच फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्ट